बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 4 और उसकी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर बेटा जो 3 है उसका फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा उसमें क्या डाटा दिया हुआ है, उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस k√3। ये एक्स की वैल्यू दी हुई है और हमने फाइंड क्या करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, 1 ओवर x की कीमत जो है वो हमने फाइंड करनी है। उसके लिए बेटा क्या करेंगे, हमारे पास ये जो x की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे इसके नीचे बेटा कुछ नहीं तो 1 है और इधर भी कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। जहाँ पे बेटा डिवाइड के नीचे कुछ ना दिया हो गिवन, वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको बेटा चेंज कर लेंगे, यानी ये 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा। ये x था तो इसको हमने क्या बना लिया, 1 ओवर x। उल्ट किया है तो बेटा इस साइड पर भी क्या होगा, 1 ओवर 2 माइनस √3। ये बेटा वैल्यू को भी आपने उल्ट कर दिया। अब आपके पास एक्स की वैल्यू दी हुई थी 2 माइनस k√3 और हमने 1 ओवर x की फाइंड करनी थी, इसको उल्ट किया, एक्स का 1 ओवर x बन गया तो इस साइड वाली वैल्यू भी उल्ट हो जाएगी। बेटा ये 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है, लेकिन इसमें जो आंसर आया है उसमें डिवाइड के नीचे क्या आ रहा है, √ आ रहा है, जजर आ रहा है। और बेटा डिवाइड के नीचे जजर को हमने क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो डिवाइड के नीचे जजर आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, जिससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, वो वैल्यू क्या होगी, नीचे वाली का साइन चेंज कर लेंगे। ये है 2 माइनस k√3 तो हम करेंगे 2 प्लस k√3। ये हमने इससे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जब बटे से बेटा जजर ख़त्म करते हैं तो अगर प्लस है तो माइनस करके, अगर माइनस है तो प्लस करके आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास 1 ओवर x निकालने का, ये ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 1 को इससे करेंगे तो यही आ जाएगा 2 प्लस k√3। और नीचे बेटा ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब हम 2 माइनस k√3 प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस k√3 से, यानी ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, 2 और √3, ये भी 2 और √3, एक प्लस की है और एक माइनस की। हमने फार्मूला पढ़ा था बेटा, जब आपके पास एक रकम a प्लस बी और दूसरी रकम a माइनस बी हो तो वो किसके इक्वल होता है, a² - b², यानी दो रकमें एक जैसी हों, एक प्लस की एक माइनस की, दोनों का स्केयर आ जाता है दरमियान में माइनस। तो आप बेटा यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 का भी स्केयर आ जाएगा दरमियान में माइनस आ जाएगा और √3 का भी क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, 2 प्लस √3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर कितना आ गया, 4 माइनस ये स्केयर स्केयर रूट से कट गया, कितना रह गया 3। उसके बाद बेटा इधर 1 ओवर x ही है, ये 2 प्लस √3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय, ये बेटा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो इसका आंसर आ गया 2 प्लस √3। ये बेटा किसका आंसर आ गया, 1 ओवर x का, x के ही उसने वैल्यू दी हुई थी और कह रहा था 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करें, तो वो बेटा हमारा आंसर आ गया है। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं, उसमें हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, हमारे पास x की वैल्यू इसमें भी दी हुई है और आपने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर x। तो बेटा सेम आपके स्टेप वही जिस तरह से उसको किया था, इसको जब हम 1 ओवर x बनाएंगे उल्ट करेंगे तो ये भी बेटा 1 ओवर 4 माइनस √17 आ जाएगा, ये भी उल्ट हो गया। उसके बाद बेटा हमने ये देखा जो जवाब है उसमें स्केयर रूट के नीचे क्या आ रहा है, सॉरी बटे के नीचे क्या आ रहा है, स्केयर रूट आ रहा है, जजर आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। यानी बेटा ये जो वैल्यू थी ये माइनस वाली, जिस तरह इसका बेटा हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया इसी तरह इसका भी कर दिया। अब ये बेटा 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये 1 इससे होगा तो 4 प्लस √17, 1 इससे होके यही आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे बेटा देखें इस वैल्यू को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, एक प्लस की है और एक माइनस की है तो दोनों रकमों का स्केयर, ये वाला जो फार्मूला हमने अभी पीछे लगाया है, दोनों का स्केयर दरमियान में बेटा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी पहली रकम का भी स्केयर, दूसरी रकम का भी स्केयर और दरमियान में माइनस। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 प्लस
स्केयर रूट 17 डिवाइडेड बाय, ये बेटा 4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, माइनस ये स्केयर, स्केयर रूट से कट गया तो क्या आ गया 17 आ गया। अब बेटा इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपके पास 4 प्लस स्केयर रूट 17 डिवाइडेड बाय 16 में से जब हम 17 माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा 16 माइनस 17 करेंगे तो 16 में से 17 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। उसके बाद बेटा ये जो माइनस है इसको हम ऊपर लिख लेंगे और रकम हमारे पास है 4 प्लस स्केयर रूट 17। ये जो बेटा माइनस है इसको हमने शुरू में लिख लिया और ये जो 1 है बटे के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बटे के नीचे 1 आए तो उसको हमने ही लिखते ख़त्म कर देते हैं, ये ख़त्म कर दिया, यहाँ तक भी बेटा ओके है। अगर मज़ीद इसको करना है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है वो 4 को माइनस का कर देगा और ये प्लस जो है इसको भी क्या कर देगा माइनस, यानी जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज कर देगा, ये 4 भी प्लस का था माइनस हो गया और स्क्वायर रूट 17 भी प्लस का है तो ये माइनस हो गया, तो ये बेटा आंसर आ गया आपके पास 1 ओवर एक्स का। तो इसके साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। इससे पहले हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला ये पार्ट सॉल्व किया है। अगर बेटा इन दोनों में आपको कोई मसला होता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा इनके नोट्स जो है उसकी जो है लिंक में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो उस लिंक से जाके आप PDF फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।